गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद का तो सब एकदम बढ़िया हो गया। मैं आपका प्रतीक गाजियाबादी भाई लेके आ चुका हूँ भाई अपनी पोलो 1 लीटर TSI 2021 का मॉडल। भाई आते भाई आपको ओनर से, कैसे हो भैया? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? करण। तो भाई इसमें आपने जो जो काम करवा रखा है एक बार डिटेल में आप बता सकते हैं स्टार्टिंग से? पहले तो ये 2021 मॉडल गाड़ी है, ठीक है, पोलो 1 लीटर TSI। अभी तक मैंने ये कुछ 22,000 चलाई है। अच्छा, उसके अलावा ये मेरा ग्रुप है पूरा, तो हम सारे पोलो वाले हैं जितने भी हैं। ठीक है, उन्हीं के पहले मेरे पास इससे पहले इग्निस थी, मैंने मॉड वॉड कर रखी थी। गाड़ी चलाने के बाद लगा मतलब जर्मन कार तो फिर जर्मन कार है, पोलो तो फिर पोलो है। मतलब इसकी थोड़ी सी बात अलग है। इसके अलावा जो मैंने ऊपर से गाड़ी में कर रखा है, हाँ जी, वो एक तो ये WRC सामने से ही चालू करते हैं, WRC बम्पर कहते हैं इसे। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली अनपेंटेड 26,000 रुपए का आता है। ABS क्वालिटी है, फाइबर वाइबर का नहीं बना हुआ, ठीक है, और पेंट वेंट ऊपर से करा है इसे। अच्छा, इसके अलावा इसमें RS ग्रिल लगी हुई है। हाँ जी, ये बम्पर के साथ ही मिलती है आपको। ओके, आगे से अगर हम देखते हैं तो ये लाइट्स भी मैंने चेंज कर रखी है, ये पूरी असेंबली चेंज है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने आईलेट्स लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद अगर साइड में ये आर की वैजिंग कौन सी होगी भाई, मतलब अलग से है? आर लाइन, जो ये WRC बम्पर है। हाँ जी, हाँ जी, आर लाइन बैजिंग लगती है। अच्छा, आर लाइन बैजिंग करते हैं। ठीक है, अब बात करें यार एक बार साइड प्रोफाइल की, तो एलॉयज कौन से होंगे? ये लेंजो के हैं, लेंजो के प्रोजेक्ट डी स्पेक एफ इनका मॉडल नेम है। ठीक है, और अपने 16 इंची होंगे ना ये? हाँ, ये 16 इंची है, स्टॉक साइज इसमें 16 आता है, मैंने 16 ही लगाया है इसमें। ठीक है, अलावा सस्पेंशन में मैंने बिल्स्टीन B6 बैंड्स डाले हैं। ठीक है, 35-45 स्प्रिंग्स लगा रखी है। ठीक है, मैंने दोनों चीजें चेंज की है, सिर्फ स्प्रिंग्स नहीं डैम्पर्स भी चेंज किए हैं। डैम्पर्स बिल्स्टीन B6 है, जर्मन ब्रांड है। अच्छा, और MTS स्प्रिंग्स की ब्रांड है, जो आई बैक के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो उसके अलावा ये साइड की जो ये स्कर्टिंग्स है ये ऐसी आती है इसमें स्टॉक, बस इसको मैंने पियानो ब्लैक में कराया है। अच्छा, मतलब ऐसे ना काफी अलग से मेरे को लगा कि आपने शायद इसको बाहर से इसमें काम करवा रखा है। आती है फ्लडिंग, ये भी ABS की आती है स्टॉक इस गाड़ी में, और बस मैंने इसको पियानो ब्लैक में पेंट कराया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये WRC स्पॉइलर डाला है। अगर आपने OEM स्पॉइलर देखा होगा तो वो बिल्कुल यहाँ से सीधा आता है ऐसे। हाँ जी, हल्की सी जो लिप देख रहे हो आप, WRC स्पॉइलर होता है। एक बार भाई आपको साइड से दिखा देता हूँ, इसमें सीधा आएगा एकदम। ये देखो, यहाँ की बात कर रहे हो ना भाई? ठीक है, इसके अलावा टेल लैंप्स भी चेंज है मेरे, ऑडी Q2 स्टाइल टेल लैंप्स है। ठीक है, लोगो चेंज्ड है। लोगो भाई अपनी टेपिंग हो रखी होगी कैसे? लोगो इसमें ये पूरा ब्लैक लोगो आता है। अच्छा, टेप मैंने सिर्फ थोड़ी सी रेड एक्सेंट्स देने के लिए टेप लगाई हुई है। ठीक है, उसके अलावा नीचे अगर है तो ये डिफ्यूजर इसमें स्टॉक आता है। हाँ जी, डिफ्यूजर पे मैंने ये मैक्सटन डिफ्यूजर अलग से लगाया है, इसको मैक्सटन डिफ्यूजर कहते हैं। ठीक है, ये रेन F1 लाइट लगाई है। हाँ जी, तो आपने इसमें एग्जॉस्ट का भी काम कर रखा है जैसे हम देख पा रहे हैं। में मैंने साइलेंसर हाउस से फुल सिस्टम एग्जॉस्ट बनवाया DCAT। ठीक है, कस्टम रेसिंग रेसोनेटर। अच्छा, और आपने आप भाई इसको ट्यून वगैरह भी आपने इसको करवा रखा है? हाँ, मैंने स्पीड स्पोर्ट से ट्यून कराया है, स्पीड स्पोर्ट गली से ट्यून कराया है, सुपर चिप्स का ट्यून है इसमें। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली पावर फिगर्स जो है वो तो मैं आपको बोलूंगा नहीं जब तक मैं डायनो ट्यून नहीं कराऊंगा। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली जो मेरे को सामने से पावर फिगर्स मिले हैं वो 135 से 140 BHP कद काफी हो जाता है यार, 8 सेकंड में कर लेती है, 8 सेकंड में आपका आराम से कर लेती है अगर आप देखोगे तो। तो आप इसमें मतलब अपना जैसे आप इसको ड्राइव्स या आपको लॉन्ग ड्राइव्स पर कुछ जाना होता है तो मोस्टली आप इसमें डेली कार नहीं है। अच्छा, फॉर फन। ओके, संडे राइज अगर हम इसको कह लें, संडे वनडे को चलती है गाड़ी। ठीक है, के लिए मेरी एक डस्टर है, सो आई यूज दैट फॉर कम्यूट। तो आप इसमें मेनली पेट्रोल कौन सा यूज करते हो, ऑयल कौन सा यूज करते हो? मैं 95 ऑक्टेन यूज करता हूं। ठीक है, सजेस्टेड भी वही है, अगर आप ये देखो तो इसमें पोलो में भी बना भी होता है सजेस्टेड फ्यूल 95। ठीक है, इसमें आपको रेगुलर फ्यूल डलवाना नहीं होता स्टॉक इंजन में भी, बट अच्छा बताते हैं और कंपनी वाले बताते नहीं क्योंकि कोई 6 रुपए फालतू देगा नहीं एक गाड़ी चलाने। एक बार आप टेल लाइट ऑन कर सकते हैं भैया? टेल लैंप्स अभी ऑन है, धूप की वजह से आपको दिखने है? टेल लैंप्स ऑन है। अच्छा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये सिर्फ रेड जब होती है जब ऑन होती है, अगर मैं ऑफ करूंगा तो पूरा ब्लैक दिखेगा। ओके, तो मतलब एक तरीके से ये अपना स्मोक्ड है ना? ये पहले से ही टिंटेड है, ये मैंने अलग से नहीं करा रखी है, ऐसी ही आती हैं, पहले से ही ब्लैक आती हैं। ओके, एक बार आप इसके इंडिकेटर्स ऑन कर देंगे, हैजर्ड लाइट्स। भाई देख पा रहे हो भाई, ये कुछ अपने मैट्रिक्स इंडिकेटर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं।
तो भैया जैसे अपने इसमें टेलेट्स आपने काम करवाए तो आपको टेलेट्स आपको कितने की कुछ पड़ गई होंगी? देखो अगर आपको टोटल बताऊं जितना हाँ जी काम करा रखे गाड़ी में तो 3.5 लाख रुपए का काम हो रखा है गाड़ी में। अच्छा एप्रोक्सीमेटली अगर मैं ऐसे एक एक पार्ट का बताता हूँ आपको, सामने की लाइट मेरे कुछ 26,000 की थी पड़ी थी, 26,000 लाइट्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी 26,000 की, 26,000 की फुल असेंबली है राइट विद वारंटी। ठीक है 2 साल की वारंटी है इनमें, इन केस ऑफ एनी लीकेज और कुछ भी अगर इनमें फॉग वॉग होती है तो ये रिप्लेस होके नई मेरे को मिल जाएंगी। ठीक है मेड इन ताइवान होती है जैसे आपको पता ही है। ठीक है पर लुक वाइज इसको काफी एक तो अच्छी लुक आ जाती है ना इसकी, DRLs VRLs हो जाते हैं, प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। हाँ जी और मैट्रिक्स इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो ये वो वाली हेडलाइट है ना, इसको हम वैसे कह सकते हैं जो आजकल जो फॉरेन में जो लेटेस्ट मॉडल जो चल रहे हैं, नहीं इसको हम फॉरेन वॉरेन में तो नहीं बोलेंगे बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि मतलब मैंने शायद देखी है जो कंपनी से जो बाहर जो आती है पोलो उसके अंदर कुछ ऐसे शायद इसमें लुक आता है। वो जो पोलो जो बाहर हाँ जी दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पोलो जो हाँ जी आती है। हाँ जी इंडिया में आती है वो 1 लीटर TSI आती है, वहाँ पे भी 1 लीटर TSI इंजन आते हैं। हाँ जी पोलो में नहीं, फिर वो काफी मतलब अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग गाड़ी है वो, बिल्कुल जैसे आपकी ये GTI आती है। हाँ जी हाँ जी 2000 cc का इंजन होता था उसमें, बड़े इंजन आते हैं बाहर। ठीक है बिकॉज ऑफ यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो टैक्सेशन में प्रॉब्लम होती है। हाँ जी रोड टैक्स में तो इसलिए सब 4 मीटर कार्स में ये इन्होंने इंजन दिया है 1 लीटर। ठीक है तो अब बात करें भाई अपना एक बार इंटीरियर की। इंटीरियर मेरा बिल्कुल बेसिक है, मैंने कुछ इंटीरियर में चेंज नहीं कराया हुआ, ना मेरे को सिस्टम का शौक है ना मेरे अच्छा का शौक है, मेरे को सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड शौक है। ठीक है बाकी ये सब भी WRC बम्पर वगैरह भी मैंने एस्थेटिक्स के लिए ऐसे ही लगा लिया, मेनली मेरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही रहता है और मैं सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड सारे मॉडिफिकेशन आप करते हैं, एस्थेटिकली कुछ चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है तो इंजन का अगर हम दिखा रहे हैं एक बार इंजन आप दिखा सकते हैं तो भाई अपनी है Stage 2 ट्यून मेनली भाई। तो यार जर्मन कार्स तो वैसे ही जो स्टॉक जो आती है वो इतनी पावरफुल होती है, ऊपर से भाई ने इसको ये मेरा इंजन बे है। हाँ जी इसमें मैंने स्टॉक रिप्लेसमेंट, मैंने इसमें कोल्ड एयर इंटेक नहीं लगाया, मैंने इसमें स्टॉक रिप्लेसमेंट रेसिंग लाइन का एयर फिल्टर डाला है, यूरोस्पेक चैनल लगा रखा है, एयर चैनल लगा रखा है। ठीक है सीधा इंटेक यहाँ से होती है इसमें, अगर आप यहाँ देखो तो कैविटी होगी, सीधा एयर इसके अंदर जाती है। अच्छा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। उसके अलावा मैंने एक इसमें ये टर्बो इनलेट लगा रखा है फोर्स का, पीछे टर्बो में होता है वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है और उसके अलावा डीकैट है मेरा एग्जॉस्ट, तो आप पाइप अगर देखो तो यहीं से आपको दिख जानी चाहिए, कैमरा शट जाएगा नहीं वहाँ तक, कोई इशूज नहीं यार भाई, अभी थोड़ी गाड़ी ना गर्म भी हो रही है तो हम करेंगे नहीं खेल उसके साथ। हाँ इट्स वेरी बेसिक यहाँ से और पूरा मैंने बहुत ही क्लीन बिल्ड किया है, मेरे को ज़्यादा शौक है नहीं एस्थेटिकली चेंज करने का चीज़ है, परफॉर्मेंस रिलेटेड मॉड्स ही करता हूँ। ठीक है दैट इज़ अबाउट इट। तो अब बात करें भाई एक बार आपके एग्जॉस्ट की। हाँ एग्जॉस्ट भाई जो सबको इतनी देर से इंतज़ार था यार वो अब उसकी बारी आ गई भाई अपने एग्जॉस्ट की, तो भाई एक बार एग्जॉस्ट आपको आवाज़ सुना देते हैं उसकी। भाई ये आवाज़ तो काफ़ी कैडी मतलब सही आपने कर रखी है इसकी आवाज़। हाँ तो आवाज़ में मैंने वेल्वेट्रॉनिक लगा रखा है। हाँ जी और रेसोनेटर भी लगा रखा है सो दैट आवाज़ थोड़ी फटे ना। हाँ जी हाँ जी मेरे को बेसी सेटअप ज़्यादा पसंद है, बेसी थोड़ा अच्छा लगता है यार, वो जो फटती है ना वो क्वालिटी साउंड नहीं लगती वो तो मतलब यही एक तरीके से यही हो गया कि आपने बस एग्जॉस्ट को खाली कर दिया इंजन से सीधा हवा निकल रही है वो फिर वो फड़फड़ फड़फड़ करती है वो चीज। तो बैक प्रेशर भी नहीं बनता है गाड़ी में, एक चीज होती है एक टेक्निकल टर्म होता है बैक प्रेशर, वो इंजन के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा अगर वो नहीं बन रहा आपकी कार में और सिर्फ आवाज आ रही है गाड़ी मेरी बात तो भगेगी। अच्छा इंजन पर एक तरीके से लोड पड़ेगा ना, लोड पड़ता है इंजन को एक बैक प्रेशर नाम की चीज चाहिए होती है, सो जितने वो एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर वे में निकलना चाहिए, यानी कि वो सीधा बस निकल रहा है। अच्छा ऐसे नहीं होता, एक बैक प्रेशर नाम की चीज होती है स्पेशली इन टर्बो कार्स, अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स देखो तो उनमें आप फिर भी कुछ भी कर सकते हो बट जो टर्बो कार्स होती है उनमें आपको ये जरूरी होता है कि बैक प्रेशर हो। तो भाई ये काफ़ी एक नॉलेज लेने वाली बात है जो भी मतलब ये काम अपना करवाना चाह रहा है टर्बो इंजन्स में। देखो दुनिया तो बहुत कुछ कराती है। हाँ जी देखो दुनिया से मतलब उनके चॉइसेस होते हैं, मैं हाँ जी हाँ जी कहूँगा नहीं, वो उनका पसंद है ये मेरी पसंद है, पर जो एक जो करेक्ट वे वो आप बता रहे हो तो देखो यही होता है। हाँ जी ये यूनिवर्सल है करेक्ट वे। हाँ जी कोई चाहे कुछ करे अपनी गाड़ी में और बोले कि मैं करेक्ट हूँ तो आई डोंट माइंड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग माय कार, करेक्ट आई केयर अबाउट माय कार सो आई डू इट लाइक दैट। ठीक है तो यार ये थी भाई अपने कुछ पोलो की एक वीडियो।
ये भाई ना जो मैं पोलो देख पा रहा हूँ ना, भाई ने कुछ इतना ज़्यादा इसे कस्टमाइज करवाया, पर जितना जो काम करवा रखा है ना उसको भाई ने पूरा मेंटेन करके रखा है। तो यार मतलब आपने जैसे इस पर वाइट कलर है तो आपने इसमें शायद पीपीएफ वगैरह भी करवाया कैसे? इसमें कोई सेरेमिक कोई पीपीएफ कुछ नहीं कराया, मैं बस अपनी कार रेगुलरली वॉश एंड वैक्स करता रहता हूं। अच्छा, क्योंकि देख पा रहे हैं काफी चमक है। हाँ जी, मिट्टी लगी हुई गाड़ी पे और सीधा उस पर पानी मारोगे तो आपको जरूरत नहीं है ना सेरेमिक की ना पीपीएफ। ठीक है, तो यार वीडियो करते भाई यहीं पे एंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस एक चीज हमसे मिस हो गई, वो है भाई गाड़ी का मेनली भाई अपना नंबर 7878। तो यार मतलब आपका क्या फेवरेट नंबर है 78? कैसे इसका कुछ घर पे जितनी भी गाड़ी आती है उनमें 7 और 8 का सीन है। अच्छा, 7 और 8 चाहिए होता है वो, फिर 8 7 कुछ भी हो मतलब बनना चाहिए, बस 78 होना चाहिए है ना। ठीक है, तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लास्ट में भाई हम एक चीज बोलते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।